ईद के मौके पर गुलजार हुआ ईदगाह, एक दूसरे के गले मिलकर दी मुबारकबाद। यूपी के बहराइच जिले में रानीपुर क्षेत्र में गोबरहा के ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। नमाज में मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईदगाह में नमाज हाफिज मोहम्मद राइस के द्वारा अदा करवाई गई। तो वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त करती रही। तो वहीं मस्जिद व ईदगाहों के आसपास पुलिस फोर्स तैनात रही, लोगों से शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील भी करती रही। नमाज के दौरान तकरीर करते हुए हाफिज मोहम्मद राइस अहमद ने कहा कि हजरत इब्राहिम के सुन्नतों पर चलते हुए हम लोग कुर्बानी का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अल्लाह को कुर्बानी के खून की जरूरत नहीं है बल्कि वह इंसान की कुर्बानी के जज्बे को देखते हुए, इसलिए अल्लाह के रजा के लिए जज्बे के साथ कुर्बानी करे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रजा के लिए अपनी ख्वाहिशात के साथ हैवानियत को भी कुर्बान करना है। देश में आज माहौल को देखते हुए हमें अपने रास्ता बदलने की जरूरत है, कुरान के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। अपने अच्छे बच्चों की परवरिश करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। खुदा ने हमें जो इबादत को मौका दिया उसको शुक्र अदा करना चाहिए। तो रसूलपुर ईदगाह कमेटी के देखरेख में नमाज पढ़ाने के प्रबंध किया गया। इस मौके पर तमाम मुसलमानों और मोमिनों लोग वहां पर मौजूद रहे। ईद के मौके पर रानीपुर थाने अध्यक्ष नाथ गुप्ता, उप निरीक्षक संतोष कुमार, कांस्टेबल राणा प्रताप, दुर्गेश ग्राम प्रधान मोहम्मद इलियास, पूर्व प्रधान इफ्तिखार मोहम्मद मलफिक, मोहम्मद इतवारी, मोहम्मद मुस्लिम, नसीम शेख चांद खान रहमतुल्लाह अलैह, ग्राम रोजगार सेवक मोहम्मद मुख्तार सफीर मकबूल आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। और अमर उजाला पत्रकार दिलसाद अहमद आसिफ सिद्दीकी, अल्पसंख्या मंडल अध्यक्ष के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संतोष पाठक, इंतजार अहमद मेहंदी अध्यक्ष क्षेत्रवासी को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी तथा अपने सभी पुराने रंजिश को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की अपील की। इस्लाम में किसी भी प्रकार की हिंसा की गुंजाइश नहीं है, इस्लाम धर्म ऐसे लोग साथ हैं। देखिए खास रिपोर्ट आशीष सिद्दीकी के साथ। 10-15 मिनट जो है इधर उधर हो गया, तो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ बैठे रहे उसके लिए माजरत चाहेंगे। और यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह के घर में, अच्छी नीयत लेकर बैठे हुए, कोई गलत काम में नहीं बैठे हुए, लेकिन 8 बजे का ऐलान हुआ था, अब लोग आ नहीं पाए, यहाँ मुकम्मल तरीके से इंतज़ाम भी नहीं हो पाया। और 8 बजे का ऐलान हुआ था, अगर 9 बजे का ऐलान होता तो और देर हो जाती, धूप ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए जो है, और सबका भी इंतज़ाम नहीं हो पाया, पीछे इतना अंदाज़ा नहीं था कि लोग ज़्यादा आ जाएंगे।